assalamu alaikum students i am from oxford islamic scientific school class 5 subject science this is the first lecture of unit 2 the brain so we are going to start another interesting chapter open your book page number 8 write cw and date at the top of the page unit 2 the brain let's read the first paragraph you open a book and begin to read you see a bus Coming your way and you know you must stop. Who shows you how to read words or to stop at the right moment? Do you remember any interesting story you heard or read a while ago? Students आप बुक ओपन करते हैं और रीड करना स्टार्ट करते हैं या आप कोई बस देख रहे हैं जो आपकी जानब आ रही हो और आप जानते हैं कि आपने यहाँ पे रुकना है ये चीज़ें आपको कौन बताता है कौन दिखा रहा है कि आपने ये वर्ड्स कैसे रीड करने हैं या सही वक्त पर रुकना है आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है जो आपने पहले कहीं सुनी हो या पढ़ी हो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग ऑर्गन कॉल्ड द ब्रेन इट मेक्स यू थिंक रीजन लर्न न्यू थिंग्स टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड टू वट हैपन्स इन योर सराउंडिंग्स योर ब्रेन हेल्प्स यू परफॉर्म द सिंपल टास्क ऑफ पिकिंग अप योर बेन और आ कम्प्लैक्स वन ऑफ सॉल्विंग अ मैथेमेटिकल पज़ल ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि आपके पास एक अमेजिंग ऑर्गन मौजूद है जिसे ब्रेन कहा जाता है ब्रेन की वजह से आप सोच सकते हैं वजह बता सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं और अपनी सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आपका ब्रेन आपकी हेल्प करता है कि अपने पेन को यूज़ करके आप कोई भी सिंपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पज़ल आप सॉल्व कर सकते हैं लुक एट दिस पिक्चर आप देखते हैं कि आपकी जाने पे एक बॉल आ रही है आपकी नर्व्स जो कि मैसेजेस पहुंचाने का काम करती हैं वो आपकी आइज से आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं नंबर टू आपका ब्रेन ये डिसाइड करता है कि इस बॉल को कैच करना है या आपकी आर्म्स को ये मैसेज देता है और बताता है कि उसने मूव करना है नंबर थ्री नर्व मैसेज कैरी करती हैं आपके आर्म्स और हैंड्स तक पहुंचाती हैं और आपके बाजू आर्म्स मूव करते हैं और बॉल को कैच करते हैं सो हाउ द नर्व सेंड द मैसेज टू योर ब्रेन एंड टेल्स योर बॉडी पार्ट्स वट टू डू सो नेक्स्ट हेडिंग इज वट डज इट लुक लाइक ये दिखने में कैसा है ये कैसा दिखता है इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वालनट ये एक बड़े पिंकिश ग्रे वॉलनट की तरह दिखाई देता है वट डज इट फील लाइक ये कैसा महसूस होता है इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्विशी एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस बहुत नरम होता है और स्क्विशी मीन्स स्पंजी लाइक होता है मीन्स बहुत ज़्यादा नरम इतना कि जैसे ये कुचला हुआ महसूस होता है इसमें कई फोल्ड्स होते हैं एंड क्रीजेस होती है लाइक like एक पेपर पर ब्रेन बहुत नरम और स्पंजी पार्ट है और इसमें कई फोल्ड्स और क्रीजेज होती हैं नाउ ओपन योर डॉकेट पेज नंबर फाइव यूनिट टू द ब्रेन क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन वट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाई योर ब्रेन आपका ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आंसर इज आवर ब्रेन इज एन अमेजिंग ऑर्गन विच मेक्स अस थिंक रीजन लर्न न्यू थिंग्स टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड टू वट हैपन्स इन आवर सराउंडिंग्स इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आर बॉडी हमारा ब्रेन एक अमेजिंग ऑर्गन है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं वजह बता सकते हैं नई चीज़ें सीख सकते हैं डिसीजंस ले सकते हैं और अपने इर्द गिर्द में होने वाली चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है क्वेश्चन नंबर थ्री वट कैन अ ब्रेन डू दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू ब्रेन क्या कर सकता है जो कि एक कंप्यूटर नहीं कर सकता है आंसर इज अ ब्रेन कैन टेक डिसजनस एंड कैन थिंक वाट इज़ राइट और रॉन्ग बट अ कम्प्यूटर कैन नाट डू इट एक दिमाग एक ब्रेन डिसीजन ले सकता है फैसले ले सकता है और सोच सकता है कि क्या सही और क्या गलत है लेकिन एक कम्प्यूटर ये नहीं कर सकता है टेकआउट असाइनमेंट रजिस्टर एंड नोट डाउन द होम वर्क यूनिट टू रीड पेज नंबर एट लर्न एंड रोशन नंबर वन एंड थ्री इन असाइनमेंट रजिस्टर थैंक यू